लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दूसरे चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जानकारी दी कि भूमि जो तपस्या और बलिदान के लिए जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सर झुकाकर इस बिहार इस पाटली पुत्र की भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद रहे, हमारे पूर्वज रहे, उन सभी को मैं सर झुकाकर नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस भूमि पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका उन्होंने आज दिया। और कांग्रेस पार्टी का जो बिहार का पूर्ण शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर, एमएलएस, एमएलसीज, पूर्व मंत्री, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे सीनियर लीडर्स, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने प्रेस के बंधुओं को माफ़ी के साथ, जो विलम्ब हुआ उसकी माफ़ी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी भरी सर्दी में आए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा, कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में दो बार यात्रा यहाँ से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुँचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस सरकार जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। जो मर जवान मर किसान भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे,
और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए थे। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बोलने को तैयार है। हर दिन नया एजेंडा आता है, हर दिन नए विषय उठाए जाते हैं। अन्याय चारों तरफ आर्थिक आधार पर व्याप्त है। आज अन्याय का आर्थिक आधार पर हालत ये है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो 32 रुपया प्रति दिन थी 2014 में, वो घटकर 27 पर आ गई। आज हालत ये है कि किस तरह से आज 86 रुपये के करीब एक डॉलर की कीमत चली गई है और पेट्रोल डीजल जब मनाता है सैकड़ा पार करके चला जाता है। कोई भी राज्य का चुनाव आता है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक वाइट पेपर लेकर आना चाहिए। असमानता जो रिसोर्सेज की है और जो कमाई की है, संसाधनों की भी और कमाई की भी, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और केंद्र सरकार की जो मित्र मंडली, व्यापारिक मित्र मंडली है, वो अमीर से और अमीर होती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको एड्रेस जिस तरह से सरकार को करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। दूसरा जो विषय अन्याय का है, वो सामाजिक स्तर पर है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत बड़ा नारा था, लेकिन आज हालत यह है कि एक घंटे में कई रेप इस देश के अंदर होते हैं। महिलाओं अत्याचार पर आज हिंदुस्तान में एक घंटे में 51 FIR होती हैं, 51 FIR इन 1 आवर। अभी NCERB के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश, जो इनका डबल इंजन का राज्य है, वो देखिए किस तरह से महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारियों पर FIR के लिए महिलाओं को, हमारी जो पहलवान बहनें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब FIR होती है। कठुआ हो, कुलदीप सेंगर हो, हाथरस हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की है। सामाजिक अन्याय जो हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों के ऊपर किस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। SC ST के ऊपर जो FIR हैं 2014 की तुलना अगर 2019 में आप करेंगे, और 2019 से अगर 2024 में करेंगे, SC और ST के ऊपर लगभग 49% जो अपराध की संख्या है, लगभग 50% वो बढ़ गई। यही कहते थे, बहुत हुआ दलित पर अत्याचार, बहुत हुआ ट्राइबल पर अत्याचार, और हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए और हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए, ये इन्हीं की भाषा थी। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर, गरीब के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियों के साथ क्या हुआ, वो पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया फंड को प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, निर्भया फंड के पोस्टर और होर्डिंग में खर्चे किए जाते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, तमाम चीज़ों के, जो महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसको चुनाव के प्रचार में और तमाम चीज़ों में खर्च किया जाता है। किस तरह से किसान हो, महिला हो, दलित हो, कोई भी आंदोलन होता है, आज देश के अंदर उस आंदोलन को किस क्रूरता के साथ कुचला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए,
उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस ला दिए गए, किस तरह से उनके ऊपर अन्याय करते हुए जगह जगह लाठी चार्ज हुआ, और जो तीन काले कृषि कानून थे वो तीनों काले कृषि कानून इनको मजबूरन फिर बाद में मजबूरी में वापस लेने पड़े, नहीं तो इन्होंने तो अपने जो व्यापारी मित्र हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तो अपने कदम उठा दिए थे। अन्याय अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब चाइना के ऊपर क्लीन चिट देते हैं तो उन सुरक्षा बलों के बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों के साथ और उनके परिवार के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप केवल जाति और धर्म की बात करेंगे, केवल भारत और पाकिस्तान की बात करके वोट बटोरना चाहेंगे तो ये पूरे देश के साथ भी अन्याय हो रहा है। और यही कारण है कि इस अन्याय से किस तरह से निजात मिले उसका एक ही तरीका है कि लोगों तक पहुंचा जाए। माननीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी और पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन तमाम चीजों को लेकर बहुत चिंतित है और पूरे देश के हर वर्ग के अंदर चिंता व्याप्त है। उसी को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में भी हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारे मीडिया के साथियों का बहुत योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा कि हमारे मूल भावना को जनता तक पहुंचाया जा सके, और खास तौर पर क्षेत्रीय मीडिया इसमें बहुत अच्छी अपनी भूमिका उसने पहले भी निभाई और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी निभाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। अपनी मैंने मुख्य बातें रखी आप लोगों के सामने। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक तरफ समाज में त्राहिमाम है और एक तरफ चंगासी का नारा दिया जा रहा है कि सब ठीक ठाक है। ते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी करना है कि किस तरह से हमारी बात को किस रूप में आगे पहुंचाया जाए। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, 14 तारीख से इम्फाल से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और अभी तो हालत ये थी कि मणिपुर और नागालैंड जहाँ पर इनकी सरकारें हैं वहाँ से परमिशन देने में भी ये लोग डरते हैं क्योंकि डरपोक सरकार है। देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से, मीडिया के साथियों से इतना डरते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में आज तक नहीं कर पाए हैं। मन की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं इस देश के उसकी बात नहीं करते हैं। 140 करोड़ का देश है, आज किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, कितने युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए आज उन्होंने रोजगार की उम्मीद छोड़कर वो घर पर बैठ गए हैं। 50 साल 45 साल का बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों का और हमारा सबका एक फर्ज है कि हम मूल मुद्दों को जनता तक पहुंचाएं। संसद की दहलीज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह से दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि पहले एक बार मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए। मुझे ये भी पता है कि आपके पास क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। कल ही निर्णय एक महाराष्ट्र विधानसभा से संबंधित वहां के स्पीकर का आया। राजनीतिक न्याय की अगर आप बात करें, गवर्नर्स के रोल को आप देखिए, जांच एजेंसियों के रोल को देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, आज हालत यह है कि केंद्र सरकार, वो फिल्मी डायलॉग था ना कि भगवान का दिया सब है, पैसा भी है, पावर भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है। 96% जो जांच है वो विपक्षी दलों की होती है और जो जो भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी जांच रुक जाती है, धीमी कर दी जाती है, और छगन भुजबल जैसे लोग जो जेल काट कर आते हैं उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं, और वो जो चक्की पिसिंग वाले लोग हैं उनको महाराष्ट्र के खजाने की चाबियां दे दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी एक बिल्किस बानो का निर्णय आया। मैंने सामाजिक न्याय में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीजेपी ने उसका राजनीतिक दुरुपयोग बहुत किया उस निर्णय का। किस तरह से जब गुजरात के अंदर चुनाव था तो बलात्कारियों को छोड़ दिया गया,
ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि एक वर्ग को, विशेष को एक मैसेज दिया जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार के निर्णय और जिसमें गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व था लताड़ लगाई, तो किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर डिबेट कर ले, वो किसी ने सवाल नहीं पूछे उसके ऊपर। सवाल भी आज विपक्ष से ही पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्याय में कुछ लोग जो शामिल हैं उनको भी सोचना होगा कि अन्याय की डगर आने वाले समय में उन तक भी पहुंचेगी। राजनीतिक अन्याय का आज हालत यह है कि 150 सांसदों को बाहर कर दीजिए और चुपचाप आईपीसी में बदलाव कर दीजिए, चुपचाप ऐसे ऐसे ट्रैफिक के ना कानून ले आइए, नियम ले आइए कि 10-10 साल हम ट्रक के ड्राइवर्स को जेल में डाल देंगे, और जब चक्का जाम होता है तो तुरंत यू टर्न ले लिया जाता है। अन्याय जम्मू कश्मीर के साथ भी हो रहा है, 2014 के बाद वहां चुनाव ना। देखिए बिहार में दो बार, एक बार वेस्ट बंगाल से अंदर एंटर करेगी यात्रा और एक बार झारखंड से एंटर करेगी, दोनों एग्जैक्ट डेट्स एक या दो दिन में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि परमिशंस की दिक्कत रूप में कोई बदलाव आएगा, मुझे लगता है एक या दो दिन में बिहार में एंट्री और एग्जिट की दोनों चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। और वैसे भी मैं अब लोकसभा तक आप लोगों के बीच में रहूंगा ही, हम लोगों की क्या चीज़, देखिए रात्रि विश्राम तो रहेंगे ही, अगर 3-4 दिन चलेंगे तो नहीं, ऐसा है पहली बार जो यात्रा आ रही है वो 27 या 28 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी, और ये रात्रि विश्राम उनका होगा 2-3 बार पहले राउंड, फिर वापस बंगाल चले जाएंगे। बाकी अब इनसे रात्रि विश्राम भी रहेगा, और एग्जैक्ट क्योंकि 27 और 28 का है, मुझे लगता है एक दो दिन का हम कोई गलत खबर दें उससे बेहतर है कि एग्जैक्ट बताया जाए। बिहार में कौन कौन से जिले को टच, सीमांचल का चारों जिला, मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट जिला आपके पास व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा पूरा डॉटेड करके, आप उसको ले लीजिए, अभी मैं आपको दे दूंगा। हमने न्याय योद्धा की संज्ञा दी है, और जो भी न्याय योद्धा किसी भी रूप में इस यात्रा में अपना सहयोग देना चाहे, पैदल चलना चाहे, किसी भी रूप में सहयोग देना चाहे, उसका एक मिस कॉल का नंबर है जो आपको प्रेस रिलीज में भी हम देंगे, 9891802024। मैं पुनः हिंदी में रिपीट करता हूँ, 9891802024 ये सेंट्रलाइज नंबर है। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति जो हमारी भावनाओं से इस यात्रा से प्रेरित होकर इसमें सहयोग देना चाहिए, आपसे बात हुई होगी पर्सनल नीतीश जी की बात आपसे हुई होगी, हम लोगों की बातचीत ठीक चल रही है और हम लोग संतुष्ट हैं, आपसे अलग से कुछ बात हो रही होगी जेडीयू की तो उसके बारे में मुझे मैं देता हूँ। 25 सीटों पे आपने कहा था, देखिए मैं इसका संक्षिप्त एक उत्तर दे देता हूँ। इंडिया किशनगंज की सीट हमारी सीटिंग सीट है और वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन जेडीयू भी कहते हमारी सीटिंग सीट आपसे कर रही है, आपसे कर रही है, हम लोगों से नहीं कर रही है। अरे यार हम लोगों की बातचीत हो रही है, काहे कि नहीं इसे बेकार का बात कर रहे हो, पहले वो सुन लीजिए। हम लोगों की मीटिंग हुई थी पीसीसी सीएलपी प्रभारी और मीटिंग लिया था खड़गे साहब ने राहुल जी की उपस्थिति में, प्रियंका जी की उपस्थिति में, वहाँ निर्णय हुआ था वार रूम एआईसीसी ने बनाया है, सभी राज्यों में वार रूम बनना है चुनाव के मद्देनजर, और हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी को वार रूम का चेयरमैन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ जी, मैं इसको सेकेंड, और सीएलपी साहब ने सेकेंड किया।
बाकी दो तीन को चेयरमैन उसका घोषणा हम लोग बाद में करें।